धन्यवाद। राजीव सातव जी, ये तो स्टेट मैटर आप यहाँ क्यों उठा रहे हैं? मैम सिर्फ इतना ही मेंशन है। नहीं, जी ये मैटर इसलिए मैं उठाना चाह रहा हूँ कि गृह मंत्री जी का इस बारे में वक्तव्य हो, ये मेरी मांग थी मैम, इसलिए ये वक्त मैं मांग कर रहा हूँ। इसमें मेरी जो मैं बात यहाँ रखना चाह रहा था मैडम, महाराष्ट्रीय शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की भूमि है और इस भूमि में अध्यक्ष जी जिस प्रकार से पिछले कई दिनों ने जैसे नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई, उस वक्त आईबी ने मैम आईबी ने ये वार्निंग दी थी। ऐसी बात नहीं, मुझे मालूम है। मैं राज्य सरकारों के विषय अगर इस प्रकार से विमर्श करने लगे, मैं वही तो नहीं, मैं किस प्रकार से पेश नहीं कर रहा हूँ, मैं 30 सेकंड में खत्म करूंगा। मैंने वही बोला, पहला वाक्य मेरा 30 सेकंड में मैं खत्म करूंगा। राज्य सरकार का मैम इसमें सिर्फ इतनी मेरी रिक्वेस्ट है मैम गृह मंत्री जी से कि नरेंद्र दाभोलकर जी की जब हत्या हुई तब मैम आईबी ने वार्निंग दी थी कि अगला टारगेट कोल्हापुर से गोविंद पानसरे जी हो सकते हैं। इसमें इतना एक ही रिक्वेस्ट है मैम कि उस वक्त सरकार ने उनको सुरक्षा दी नहीं, उनकी हत्या हुई है, इसके बाद का तीसरे टारगेट की चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का और बड़ा सेंसिटिव इशू है मैम। गृह मंत्री की तरफ से गोविंद पानसरे जी की जो हत्या हुई उस बारे में आने वाले समय में सदन में बयान हो, ये मांग है। श्री ओम बिरला जी,